कन्नौज में आज फिर हुआ कोरोना विस्फोट। जिले में एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 6 मरीज सदर ब्लॉक से, 2 तालग्राम ब्लॉक से, 1 छिबरा मऊ से और 1 जलालाबाद ब्लॉक से बताया जा रहा है। ये सभी बाहर से आए हुए लोगों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। आज कन्नौज जनपद में 10 केस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 6 कन्नौज के हैं, 1 जलालाबाद का है और 1 छिबरा मऊ का है और 2 तालग्राम के हैं। इसको मिलाकर के टोटल हमारे जनपद में पॉजिटिव केस की संख्या 344 हो गई है, जिसमें से 256 केस ठीक हो चुके हैं और 86 एक्टिव केस हैं और 2 की डेथ हो चुकी है। जो जिनके परिवार का कोई संक्रमित था, उन्हीं के कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में इन लोगों को कराया गया था, तो वो पॉजिटिव आए। अब जिले में कुल कोरोना मरीज की संख्या 343 हो गई है, 88 केस एक्टिव कैटेगरी में हैं और 253 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। जिले में 2 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्वरूप ने बताया कि मरीज मिलने वाले स्थानों को सैनिटाइज कराने का काम शुरू कर दिया गया है और सभी लोगों की स्कैनिंग भी कराई जा रही है। कन्नौज से द पंजौरा न्यूज के लिए संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। कन्नौज के गुड़सहायगंज कोतवाली क्षेत्र के पकरा गांव के निवासी सूरज, जो कि जिला अस्पताल में घायल पड़े हैं, पुलिस की एकतरफा कार्यवाही का शिकार बन गए हैं। घायल सूरज ने बताया कि गांव के दबंगों ने ट्रैक्टर निकालते वक्त सड़क के एक तरफ की नाली तोड़ दी, जिससे वो बंद हो गई थी। विरोध करने पर दबंगों ने परिवार सहित छत से पथराव कर दिया। किसी ग्रामीण द्वारा पथराव का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया है। सूचना पर जब पुलिस पकरा गांव पहुंची, तो हमलावरों को छोड़ पीड़ितों को ही कोतवाली ले आई। ट्रैक्टर लेके निकले, नाली पजारने चढ़ाई, तो हमने जब मना करो, 5-6 आदमी पाछे थे, 2-3 आदमी बीच में बैठे थे, अब हमने मना करो तो उतर के चलाने लगे हमारे ऊपर लाठी डंडा। कई लोग होते हैं और इनके 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 पास में एक लाठी में फरसा आई तो गड़सा आई तो बंदूक, तो इनने इसमें खपड़ी मार दिया और लोगों ने लाठी में दोनों हाथों में लाठी मार दी मेरे। और छत पर रहते थे, ईंट पत्थर चलाए रहे थे खूब छत पर दोनों। कन्नौज से पंजौरा न्यूज के लिए संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। आज सुबह 10 बजे से उपजिलाधिकारी कार्यालय में तहसील परिसर के समीप तिरवा नगर पंचायत के बौद्धनगर वार्ड के सभासद प्रभाकांत तिवारी अपने पूरे परिवार समेत आमरण अनशन पर बैठ गए। सभासद ने बताया कि दौलीखाती ग्राम सभा में उनके खेत पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी दबंगों द्वारा कब्जा नहीं छोड़ा जा रहा। जब उन्होंने खेत को खाली करने के लिए कहा, तो उक्त लोग मारपीट करने पर आमादा हो गए। उन्होंने आज सुबह उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और पूरे परिवार सहित आमरण अनशन पर बैठ गए। उप जिला अजय करण ने बताया कि राजस्व विभाग व पुलिस टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई गई है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। द पंजौरा न्यूज के लिए तिरवा से अनुज कुमार की रिपोर्ट। कोरोना काल में घर लौटे प्रवासियों को रोजगार देने पर केंद्र और प्रदेश सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिसके तहत नए उद्यम शुरू कर बेरोजगारों को काम दिया जा रहा है। इत्र के नगरी कन्नौज में प्रवासियों को यहां इत्र की नई इकाइयां स्थापित कर रोजगार देने की कोशिश की जा रही है। हमें अभी लॉकडाउन के बीच में पता चला था कि प्रधानमंत्री जी ने एक ODF की एक वो स्कीम लॉन्च करी है, जो कि नए रोजगार के लिए है। तो उसके तहत हमने अपना एक लोन अप्लाई किया था ODF में, वो मेरा पास हो गया था 18 लाख का। तो उसके तहत हमने लोन लिया, फिर अभी हमने अपना एक सेटअप बनाया है अपना इत्र परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग का, जिसके तहत हमको भी रोज़गार मिला है और अभी हम जैसे मेरा रेडी हो जाएगा उसके तहत और भी कई लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये प्रधानमंत्री की योजना बहुत अच्छी है, हम भी बोलेंगे लोगों को कि इसके लिए अप्लाई करें और अपना रोज़गार बढ़ाएँ। यानी कि ODOP की एक स्कीम चल रही है भारत सरकार के द्वारा, जो मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जा रही है। इससे हमने आवेदन किया और उससे हमारा पास हो गया, और पास होने के बाद हमने ये अपना प्लांट लगाया और उससे हमारा जो हम बेरोजगार थे उससे हमें रोज़गारी प्राप्त हुई और MSME के द्वारा बढ़िया तरीके से हमें सपोर्ट मिल रहा है। सरकार ने कोरोना काल में शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों के हजारों प्रवासी मजदूरों को काम देना शुरू किया है। मनरेगा प्रवासी कामगारों की बेरोजगारी दूर करने का एक मजबूत जरिया बनकर सामने आई है। अच्छा लाभ मिल रहा है सरकार की, बहुत अच्छी ये काम है, अच्छा कर दिया हमारे लोगों के लिए। हम जो है बहुत अच्छी जगह लग गए हैं, नरेगा करने लगे हैं, इसमें जो है हमारा प्रॉफिट हो रहा है
और हम जो है मजदूरी भूखे मर रहे थे और खेती में कुछ हो रहा नहीं तो इसमें जो है इसमें काम हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक का कहना है कि लोन के लिए कई आवेदन आए हैं, कुछ की जांच पूरी हो चुकी है और उन्हें लोन दिया भी जा चुका है। GMDIC का कहना है कि लक्ष्य के सापेक्ष बाकी आवेदनों की भी जांच प्रक्रिया जारी है, जो भी पात्र पाया जाएगा उसे काम के अनुसार लोन दिया जाएगा। ये पिछले वित्तीय वर्ष में 32 लोगों को लाभ मिला था, 32 का ही टारगेट था, 19-20 में पूरा हमारा हो गया था और इस बार भी जो है 32 का ही टारगेट है, तो इसमें 144 हमारे आवेदन पत्र आ चुके हैं, ऑनलाइन है। अब इसमें इस साल से स्कोर कार्ड बन शुरू कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो है अगर उसमें ज़्यादा कमियां हैं तो उसको मेंशन कर देते हैं कि ये कंप्लीट की जाए, कंप्लीट जो फाइल होती है उसको भेज देते हैं। 73 भेज दी गई हैं और उसमें से सात जो है फाइलें हमारी स्वीकृत हो चुकी हैं, 7 में से 6 लोगों को लोन मिल चुका है। इसी वर्ष में 6 लोग जो है लाभान्वित हो चुके हैं PMGP में। इसमें जूनियर हाई स्कूल होना कंपलसरी है, जूनियर हाई स्कूल पास होगा कैंडिडेट वो अप्लाई कर देगा, 18 साल से कम का न हो, एबब कोई इसकी समय वो एबब जो है 55 तक का जनरली ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा 60 साल का है तो नहीं लेते हैं क्योंकि 5 साल में इसकी रिटर्निंग होती है। जिला अधिकारी कन्नौज, प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो या MSME की रोजगार परक योजनाएं, सभी की लगातार समीक्षा स्वयं कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। इन लोगों को रोजगार देने के लिए हमारी जो सबसे बड़ी स्कीम नरेगा थी, नरेगा के अंतर्गत इन लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन का कार्य प्रारंभ किया गया है और जहाँ सामान्य तौर पर इस समय जिलों में 4-5 हज़ार 10 हज़ार तक अधिकतम रोजगार मिलता था, आज की डेट में वो रोजगार बढ़ करके कम से कम 47-48 हज़ार लोगों को नरेगा से के रोजगार से जोड़ा गया है। इसके अलावा हमारे सेवा आयोजन कार्यालय द्वारा एक ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया गया था जिसमें 8 कंपनियां थी, उनके द्वारा अलग अलग एज ग्रुप के और योग्यता के लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए किया गया था। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं हो पाई थी इसलिए ज़्यादा लोगों ने इसमें फॉर्म नहीं भरा था, तो हम लोगों ने अब इसको ऑफलाइन भी कर दिया कि कोई भी हमारा यह बेरोजगार युवक वो ऑफलाइन भी जा करके सेवा आयोजन कार्यालय में अपना इनरोलमेंट करा देगा तो हम वहाँ से उसको ऑनलाइन करा देंगे और फिर ये कंपनियाँ उनको इंटरव्यू लेकर के अलग अलग उसमें इनको रोजगार से जोड़ेंगी। आत्मनिर्भर होते भारत के बुनियाद में यही प्रयास हैं जो परवान चढ़ रहे हैं। घर के आदमी को घर में ही काम मिल जाए तो परिवार भी खुश और प्रदेश भी खुश, और जब ऐसा होगा तो फिर भारत आत्मनिर्भर बनेगा ही। कन्नौज से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता दिलीप वर्मा के साथ मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। कोरोना पॉजिटिव युवती ने तीसरी मंजिल से कूदने का प्रयास किया। युवती का हंगामा करने का वीडियो तेजी से शहर में वायरल हो रहा है जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को खरी खोटी बोलती नजर आ रही हैं। कोरोना संदिग्ध होने पर मानिमऊ के क्वारंटीन सेंटर पर युवती को ले जाया गया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद किया हंगामा। युवती के परिवार के सदस्य पहले से ही कोरोना संक्रमित हैं। 8 तारीख को ये युवती अपने 3 भाई बहनों के साथ आई हुई थी तो 8 तारीख से इसको क्वारंटाइन किया गया था। क्वारंटाइन के बाद जब इसकी रिपोर्ट आई है, कल पॉजिटिव आई है, तो इसको कनपटियापुर के सेंटर में भेजने के लिए जब हम लोगों ने इससे कहा तो इसने तुरंत अपना ड्रामा चालू कर दिया और जाके बालकनी पे चढ़ गई। हम लोगों ने काफ़ी समझाने का प्रयास किया लेकिन ये बालकनी से नीचे नहीं उतरी। इसने एक शीशा वहाँ पे जो खिड़कियों में लगा हुआ था वो शीशा तोड़ के उससे मारने के लिए खुद को भी और जो उसको समझाने आ रहा है हम लोगों के ऊपर भी, उसने वही कहा कि हम आप लोगों को भी मार देंगे। अब पॉजिटिव पेशेंट था इसीलिए सारे आसपास के भी लोगों को हम लोगों ने हटाया वहाँ से कि आप लोग थोड़ा सा दूर रहें। इवन उसके परिवार के परिवार वालों से भी जब कहा कि आप इसको समझाइए तो उन्होंने भी समझाया लेकिन वो परिवार वालों को भी बहुत भद्दी बातें जो मैं बोल नहीं सकता हूँ इस तरह से उसने उनको भी कहा। फिर वो गेट की तरफ भागी जहाँ गेट से बाहर निकलने को था। फिर उसको फिर क्या था कि जब प्यार की भाषा समझ में नहीं आई तो मुझे चिल्लाना पड़ा तो मैं उससे काफ़ी तेज चिल्लाया तो वो रुकी। रुकने के बाद वो वापस अंदर आई
फिर मैंने उसको समझाया, फिर मैंने एक स्टाफ को पीपी किट पहनाई, हालांकि इतना समय नहीं मिल पा रहा था मुझे कि मैं पहन के उसको पकड़ पाता, तो इसीलिए मैंने एक स्टाफ को अंदर भेजा। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मेरा सामने रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने सीएमओ सर को बताया, उन्होंने तत्काल मुझसे कहा कि आपको जैसे बन पड़ता है आप उस तरह का उसको समझाइए। कन्नौज से पंचौरा न्यूज़ के लिए संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। जनपद कन्नौज के इंद्रगढ़ क्षेत्र के अनंतपुर गांव के लोगों का पिछले 10 दिनों से जीना मुश्किल हो गया है। एक तो गर्मी का प्रकोप और ऊपर से बिजली विभाग की लापरवाही। गांव में 10 दिन पहले एक अदद लगा हुआ ट्रांसफार्मर तेज आवाज के साथ जल गया था और उसके बाद शुरू हो गए गांव के लोगों के मुश्किल भरे दिन। अब तक गाँव में ट्रांसफार्मर न बदले जाने के कारण गाँव में बिजली नहीं है। अरे हमारे यहाँ 8 दिन से लाइट नहीं आ रही है, बहुत परेशान है गर्मी से। और लोग कहते हैं आज वो 63 KV का आ रहा है, कल 100 KV का आ रहा है, 8 दिन हो गए लाइट ही नहीं आ रही। आए 8 दिन से ट्रांसफार्मर फूको है, कोई सुनाई नहीं हुई, छोटे बड़े कर्मचारी कोई सुनी नहीं। लोग कहाँ पे? कहाँ? अनंतपुर। स्थानीय लोग संबंधित अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं। भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान हैं। 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई अधिकारी सुनवाई करने को तैयार नहीं। वहीं लोगों ने परेशान होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर बदला नहीं गया तो इसकी शिकायत तहसील स्तर पर की जाएगी। द पंचौरा न्यूज के लिए इंद्रगढ़ से दर्शन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कानपुर के विकास दुबे कांड से कन्नौज पुलिस ने कुछ भी सीख न ली। कन्नौज जिले के ठठिया इलाके में एक बंधक महिला को छुड़ाने डायल 112 के पुलिस कर्मी बिना संसाधन पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर बंधक महिला को छुड़ाते समय दबंगों ने पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की की। कन्नौज पुलिस अधीक्षक के मुताबिक बदसलूकी करने वाले 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और 2 की गिरफ्तारी हो गई है। एक इवेंट आई थी जिसमें एक महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत की थी कि उसका पति उसको मार पीट रहा है। इस सूचना पर हमारी PRB की गाड़ी वहाँ गई थी तो उस महिला को लोगों ने एक कमरे में बंद कर रखा था। हमारे पुलिसकर्मियों ने उसको वहाँ से मुक्त कराया। उसके बाद उसके पति जो मुलायम सिंह बंजारा है उसको पकड़ के लाने लगे तो उसके परिवार के लोग और बाद में कुछ अगल बगल के लोग भी वहाँ एकत्रित हो गए और उन लोगों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की, धक्का मुक्की की और उसका जो दोषी पति था उसको छुड़वा भी दिया। तो इस संबंध में वहाँ पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया पुलिस की तरफ से सरकारी कामकाज में बाधा डालने का और उसमें 11 लोग नामजद किए गए हैं और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है ठटिया थाने इलाके उमराव पूर्वा गांव में रहने वाली विवाहिता रूबी ने डायल 112 को सूचना दी कि उसके ससुराल वाले उसको मारपीट कर बंधक बनाए हुए हैं। बंधक महिला की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब महिला को छुड़ाया तो महिला के ससुराल वालों ने पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की। द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। तेरह जुलाई की रात करीब 9:30 बजे थाना शाहबाद ग्राम मगियावा में जमीन के बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। मृतक के पिता के मुताबिक सुमित पुत्र मेवाराम उम्र 22 वर्ष ने अपने चचेरे भाई प्रेमचंद्र पुत्र दयाराम उम्र 28 वर्ष के सर में ईंट मार दी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में परिजनों द्वारा इलाज हेतु CHC शाहबाद ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना 6 दिन तक कर है इसे इलाज थोड़ी बातचीत होती हो कर रहे हुई गई। उसके बाद में यहाँ फिर हमारे घर से गई नहीं बचाई में तले उन्हें ईंटे चलाई दी। एक महीने पहले किसने ईंटे चलाई? सुमित फेरू। कहाँ के रहने वाले हैं? मगियामा के रहने वाले। अच्छा, विवाद किस बात पे हुआ था? विवाद खेती चक्कर में। अब क्या हाल है आपके मरीज के? मरीज एक सुबह खत्म ही गो है होने ठहरे ईंट लगी कैसे खत्म है और जब जो हो तो जो भाग के आओ कहे आई भैया की बहुत चोट लग गई तब हम देखन गए सूटो ही वो पता ही। पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा CHC शाहबाद द्वारा प्राप्त डेथ मेमो के आधार पर मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
कामा गांव है शाहबाद थाने में, तो यहाँ चाचा भतीजे में जमीन के बंटवारे को लेकर के झगड़ा हुआ है रात में 10-10:30 बजे के आसपास। और चाचा ने भतीजे को किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से या कैसे मारा है, अभी डॉक्टर इंक्वायरी कर रहे हैं। तो एक उनकी डेथ हुई है और एक उनका लड़का घायल है। प्रेमचंद की मौत से परिजनों में शोक व्याप्त है। मृतक के भाई गोपी पुत्र दयाराम द्वारा तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रभारी निरीक्षक शाहबाद को शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। हरदोई से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी पुलकित खरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में यूनिफॉर्म के लिए कपड़े की खरीद में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने समस्त शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 दिन में यूनिफॉर्म कपड़े की खरीद करना सुनिश्चित करें। जिन विद्यालयों में टेंडर के आधार पर यूनिफॉर्म के कपड़े की खरीद होनी है वहां भी प्रक्रिया प्रारंभ कराएं। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म की सिलाई ब्लॉक स्तर पर गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से कराई जाएगी। समीक्षा बैठक में सबसे खराब शैक्षिक गुणवत्ता वाले शिक्षा अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। हरदोई से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट।